हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम 13.3 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तीर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इस तरह की एक बेलनाकार बाल्टी है जो कि रेत से पूरी तरह भरी हुई है और इसका त्रिज्या जो है इसकी हमें 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो रेत भरा हुआ है उसको बाहर निकाल करके इस तरह से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे इसकी त्रिज्या पूछी गई है और इसकी जो ये तीरेक ऊंचाई होती है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो तीरेक ऊंचाई और त्रिज्या दो चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं, जो ये बेलनाकार बाल्टी है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें दिया गया है तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा क्या है, बेलन है, तो इसीलिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई और इसको हम मानेंगे H1। H1 क्यों मानेंगे, क्योंकि इसकी भी ऊंचाई है और इस शंक्वाकार जो ढेरी है इसकी भी ऊंचाई है इसीलिए इसको H1 मानेंगे। तो ये हमारा है 32 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी त्रिज्या भी हमें दी गई है तो यहाँ पर त्रिज्या भी लिख लेते हैं। तो त्रिज्या को हम क्या करेंगे कि R1 मानेंगे, तो ये हमारा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो शंकु है यानी कि शंक्वाकार ढेरी इसकी भी ऊंचाई हमें दी गई है तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको हम H2 मानेंगे। तो ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। हमें इसकी यानी कि शंकु की त्रिज्या यानी कि R2 का मान निकालना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये समझिए कि जितना इस बेलन का आयतन होगा उतना ही इस शंकु का आयतन भी होगा, क्योंकि इसी के अंदर से जो रेत निकाला गया है उसी रेत से ही इस शंकु को बनाया गया है, इस ढेरी को बनाया गया है, इसीलिए इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होगा क्या, शंकु का आयतन। तो ये हो गया। अब देखिए इनका सूत्र लिखते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसके आर को हमने R1 और एच को H1 माना है। इसी तरह से शंकु का आयतन का क्या सूत्र होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसके आर को R2 और एच को H2 माना है। अब देखिए ये पाई से तो पाई हमारा कट जाएगा, R1 का स्क्वायर है, R1 कितना है 18, तो ये हम लिखेंगे 18 × 18 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए। H1 कितना है 32 बराबर 1/3, R2 का स्क्वायर है तो R2 हमें नहीं पता इसको इसीलिए एज इट इज लिखेंगे R2 का स्क्वायर। H2 कितना है, यह है 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिखेंगे 18 × 18 × 32, इनको हम बराबर के इधर लाएंगे क्योंकि हमें R2 का मान निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये 3 इधर क्या है हमारा भाग में, इधर जाके हो जाएगा गुणा में और ये गुणा में है इधर आके भाग में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 × 3 3 × 8 = 24 कट गया, 8 × 8 = 8 4 = 32 कट गया, तो हमारे पास 18 × 18 और 4 बचा है। तो इसीलिए इन तीनों का अब हम गुणा करेंगे, 18 × 18 × 4, तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1296 बराबर में R2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये 1296 स्क्वायर रूट में आ गया, इधर बचा सिर्फ R2। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि 1296 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 1296 का वर्गमूल होता है हमारा 36। ठीक है, बराबर में क्या है R2, तो R2 का मान हमारा 36 आ गया और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसीलिए हमने R2 यानी कि जो ये शंकुआ का ढेरी है इसकी त्रिज्या निकाल लिया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या निकालना है अब, इसकी
तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई देखिए कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालने का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं सबका, अब हम एच स्क्वायर है यानी एच का मान कितना है शंकु की, तो शंकु का एच यानी कि एच टू ये 24 है, तो इसीलिए 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो आर हमारा कितना है 36 सेंटीमीटर, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 576 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296। अब यहाँ पर 576 और 1296 इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 916 और 1 17 का 7 हासिल 1, 527 और 1 8 और ये 1, तो 1872 आ रहा है। अब हमें 1872 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। 1872 को हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले 2 के पहाड़े से ये 936 बार में, फिर ये हमारा 2 के पहाड़े से 468 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 234, फिर 2 के पहाड़े से 1 2 1 2 2 7 14, तो ये 117 बार में, फिर ये हमारा अब 3 के पहाड़े से हो जाएगा, 3 के पहाड़े से 3 3 9 3 9 27, फिर 3 के पहाड़े से 13 3 39 और ये 13 के पहाड़े से एक बार में। तो यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक और बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और 13 अकेला है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 2, फिर इसको भी एक बार, फिर इसको भी एक बार, तो 2 2 4 4 3 12, तो ये आ गया 12 बाहर, और 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसीलिए इसको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो 12 वर्गमूल 13 यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, यही हमारा एल का मान है यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।